पानीपत में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर सिरसा लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सांसद द्वारा कोरोना काल में दिन रात जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा करने वाली महिला डॉक्टर, समाज सेविका, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी व आशा वर्कर को भी उनके उत्कृष्ट काम के लिए सम्मानित किया गया। वहीं उन्होंने सनोली रोड पर जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब 2014 में हमारी सरकार आई तब पूरे देश में मात्र 100 जन औषधि केंद्र थे। आज प्रधानमंत्री 7500वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 50,000 वेलनेस सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा है ताकि कोई बीमार ही ना पड़े। सांसद दुग्गल ने कहा कि फिर भी किसी कारणवश कोई बीमार पड़ता है तो उसको जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती दवाई मिले, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने इस जन औषधि केंद्र के संचालक सुशील ढुल को शुभकामनाएं दी। सांसद दुग्गल ने महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी शुभकामनाएं दी। करने की जरूरत है और उसी उसमें हमारी सरकार लगी है, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं को केंद्र में रख के की गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में महिलाएं सशक्त होंगी, महिलाएं आत्मविश्वास से भरपूर होंगी और ये जो घटनाएं हैं इन पर भी धीरे धीरे लगाम लगेगी, क्योंकि अब ये पुरुष जो प्रधान जो हमारा एरिया है उसको भी धीरे धीरे ये समझ में आने लगी है कि महिलाएं जो हैं वो सशक्त हैं और महिलाओं को जो है वो सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, उनको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि वो कोई उपभोग की वस्तु है। तो मुझे लगता है कि जब ये मानसिकता हमारी बदलेगी तो उसके साथ ही ये जो आप इस तरह की बातें बता रहे हैं कि जिस तरह से जो जगह जगह पर बच्चियों के साथ भी जो घिनौनी हरकतें होती हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ जो है वो बदलाव आएगा और समाज आगे बढ़ेगा। आज महिला कोरोना वॉरियर को सम्मानित किया गया है जी, पर लेकिन आपके सामने वो सब कुछ है कि कोविड के नियमों का पालन नहीं किया गया। देखिए ऐसा है कि अभी वैक्सीनेशन चल रही है तो इसलिए जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है तो थोड़ा थोड़ा उन लोगों को लगता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम सबको इस बात के लिए कह सकें कि नियमों का भी साथ-साथ पालन, क्योंकि नए नियमों में ये लगा है कि भी जो मास्क नहीं पहनेगा, जो इस तरह की उल्लंघना करेगा 10 घंटे की उसको रोका भी जाएगा उसको और उसको जुर्माना भी लगा जाएगा। जब हम लोगों ने एंटर किया तो बाहर भी हमारी महिलाएं जो हैं उन्होंने सबके लिए सैनिटाइजर और मास्क यहाँ पे रखे हुए थे, सबने प्रॉपर अपने हाथों को सैनिटाइज किया है और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे थोड़ा सा हमें न्यू नॉर्मल की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा ताकि जो है वो गति भी जो है वो देश की आगे बढ़े और सभी नियमों का पालन करते हुए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। एक पॉलिटिकल सवाल है मैम, की तरफ से एक बयान जारी किया गया है कि जो कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो हरियाणा के जो विधायक हैं, नेता हैं, उनसे मिलें और अपील करें कि इस जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके समर्थन में इस्तीफा दें या फिर अपनी जो वोटिंग है वो उसके। देखिए मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों ने, जनता ने जो विश्वास हमारी सरकार पर व्यक्त किया था तो उसी विश्वास के तहत आज हमारी सरकार बनी हुई है और हमारी सरकार बहुत अच्छी तरह से चल रही है माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और जो अविश्वास है ये औंधे मुंह गिरेगा, इस बात की मुझे पूरी विश्वास है, पूरा मुझे यकीन है इस बात का। आप सरकार का हिस्सा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात चल रही है, लेकिन पानीपत जैसे बड़े नगर निगम में बहुत भ्रष्टाचार है, यहाँ प्रशासन के खिलाफ लामबंद हुए हैं पार्षद भी, विधायक भी कहते हैं, पर ये भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, अफसरशाही बहुत हावी है। देखिए वो यहाँ का जो लोकल प्रशासन है उसके बारे में इससे बात करने के बाद मैं कुछ इसके बारे में टिप्पणी कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा यहाँ पर सिर्फ इस कार्यक्रम के तहत पानीपत में आना हुआ, प्रशासन में यहाँ पर क्या सिस्टम चल रहा है या कहाँ पर किसको किससे क्या ग्रीवेंस है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं पूरी जानकारी लेने के बाद ही इसके बाद में कोई टिप्पणी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या महिलाओं को खास संदेश आज के दिन, जिससे कि महिलाएं थोड़ी सी और आगे बढ़े? देखिए मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर महिलाएं जो है अपना परचम नहीं लहरा रही है। चाहे मैं बात करूँ आपकी, जो मंगल ग्रह पर जो रोवर उतरा है उसकी भी जो पूरी मैं कहूँगी आँख और कान जो है उसकी हमारी बहन, हमारी बेटी स्वाति मोहन थी, और इसी तरह से पहली बार रिपब्लिक डे पर जो फाइटर पायलट उड़ाया वो भी हमारी बेटी जो है वो भावना कांत थी। तो अपनी मंजिल को पाने के लिए हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को ऊंचा हौसला रखने की ज़रूरत है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आत्मविश्वास से भरपूर वो आगे बढ़ें
और अपनी मंजिल को। एक निजी रोजगार में जो 75% जो सरकार की तरफ से राज्यपाल की भी मोहर लगी है मैम, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हरियाणा में पिछले काफ़ी दिनों से नोटिस किया गया कि कुछ उसमें हमारी संख्या बढ़ती जा रही है हमारे नवयुवकों की, तो उसके लिए बहुत अच्छा कदम है, ये सराहनीय कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारे जो लोकल यहाँ के जो हमारे नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैम, आपकी जो सदस्य हैं और वित्त मंत्री हैं वो इसके पक्ष में नहीं है, हैरानी उन्होंने कहा कि भाई हैरानी है, और ऐसे अगर जो सरकार की तरफ से कोई अगर जो कार्यक्रम किया जाता है या फैसला लिया जाता है तो मैं सरकार से भी बात करूंगी। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो हमारे हमारा जो स्टेट राज्य की जो सरकार है और जो हमारी आदरणीय मंत्री जी हैं, तो उनमें एक कम्युनिकेशन जो आपस में होगा तो उसमें वो कन्विंस कर पाएंगे मुख्यमंत्री जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम हरियाणा में क्यों 75% जो है हमारे यहाँ के लोकल। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।